हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो फिलहाल हम दमन से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं अभी बताएंगे। ऑल सेट और लगेज अभी लोड कर रहे हैं इसके बाइक पे। मेरे पे तो हो गया, मेरे को सिर्फ टैंक बैग लगाना था और एक बैग पीछे। तो आज हम निकल रहे हैं दमन से, हम जा रहे हैं बोईसर। जी कितने किलोमीटर है यहाँ से? 100 ना? 100 किलोमीटर यहाँ से। तो बात ये था कि आज पूरा दिन हम दमन घूमे और पूरा घूम के हो गया, तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता ओवरनाइट। तो कल हम जाएंगे, मतलब आज अगर निकल जाएंगे बोईसर के लिए तो फिर रात बोईसर रुकेंगे और मॉर्निंग राइड भी अहूरा हम कर सकते हैं और फिर दिन में बोईसर घूम के शाम तक हम बैक टू मुंबई। तो ये प्लान था, इसीलिए हम फटाफट यहाँ से निकल रहे। तो अगर व्लॉग नहीं देखा आपने दमन का तो दमन का व्लॉग देख लो आप। हाँ सर, हाँ दमन का ब्लॉग देख लेना। दमन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, ड्रोन शॉट था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये देखो, मेरे पे सिर्फ टैंक बैग है और पीछे एक बैग रहेगा और मेरा लैपटॉप का बैग इसके पास है, इधर है, उसका लगेज बैग इधर है और बस ऑल सेट टू गो। हम निकल गए घर से वैभव के और अभी फिलहाल टाइम आई थिंक 5:40 हो रहा है, तो बस 2 घंटे यहाँ से लगेंगे बोईसर पहुँच। गूगल आंटी कितना बता रही है टाइम? गूगल आंटी कितना टाइम बता रही है पहुँचने? 2 घंटा। ठीक, चलो ऐसे राइड करने में मज़ा आता है। ये देखो, ये चर्च था, चर्च का और हम लोग एक्सप्रेस वे नहीं लेने वाले, हम लोग कोस्टल रोड लेने वाले। पेट्रोल डलवाने का है? पेट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक है चलो, इसको फील करवा लेते हैं। क्या हुआ? पेट्रोल सादा डाल दिया। तो मैं पावर डालता हूँ। चल ठीक है, डालने का प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। हाँ तो फिलहाल हम लोग निकल आए उधर से और प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, इधर पेट्रोल वेट्रोल डलवा रहे हैं और पेट्रोल डालने के बाद सब 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 करके अभी धानू पहुंचे हैं और आई थिंक 55-60 किलोमीटर कर लिया हमने। इधर खा रहे आइसक्रीम और इसने खाया, तुमने क्या खाया? पानी पूरी खाया। अभी आइसक्रीम खाएंगे फिर निकल जाएंगे। आई थिंक 40 किलोमीटर 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर पकड़ लो या पानी की नहीं यही पूरी। तो फिलहाल इधर धानु बीच पे हमने पानी पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, तो करना था।
यार, निकल रहे फिलहाल यार। तो जी हाँ, फाइनली हम पहुंच गए बॉयसर और अभी हो रहा है 9:30। हम अराउंड हाफ एन आवर पहले आ गए, तो होटल में चेक इन किए तो फुल उल बता रहा था, कुछ गेस्ट चेकआउट किए तो हमको फाइनली रूम मिल गया। तो ये देखो हमारा पार्टनर पीछे नंगा पुंगा भाई ढकले। तो बॉयसर पहुंच गए, हमको अराउंड 3 घंटे लगे क्योंकि हम रुकते रुकते आए, तो उधर बीच में धानु बीच भी रुके थे और बस। तो यही सब था अभी पहन ले साले, बस यही आपको बोलना था। हम बॉयसर पहुंच गए और एक बहुत ही नॉर्मल सा ऐसा रूम लिया, हमको होटल मिल गया और नाइट स्टे ही करना है हमको, तो कोई बहुत ढिंचैक वाला है अपने को चाहिए नहीं था, टीवी है जो कि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो बस अब सुबह हम शायद संडे राइड पे यहाँ से जाएंगे बुलेट सिंह बॉयसर के साथ में, और फिर दोपहर तक हम आई थिंक यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे और शाम तक मुंबई। तो बस ये 2-3 दिन का हमारा ट्रिप था। आई होप कि आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो, अगर किया हो मेरा भाई तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो गाइज, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय वैभव, बाय कर दो भाई, हमारा पार्टनर बाय जो DO पे चलता है हमारे आगे, इज द मैन। चलो गाइज, बाय बाय। क्या सर, लद्दाख जा रहे क्या? मैं तो रेडी हूँ, खाली सब्सक्राइबर लोगों को बोल दो पैसे भेजने के लिए, अभी निकल जाएंगे। वाह।